हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्टॉक को प्लेज कर सकते हैं। इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो रहेगा। तो जैसे हमारे पास ये स्टॉक की लिस्ट है, इनमें से हमें कोई स्टॉक प्लेज करना है। तो प्लेज करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला ये कि आप जाइए एलोकेट फंड में, इक्विटी में, ठीक है। एलोकेट फंड में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है शेयर सेल्स मार्जिन क्रिएट लिमिट ऑफ 9822। तो मेरे को यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मेरी होल्डिंग है उसमें मेरे को 9800 रुपये का मार्जिन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा तो ये देखिए डायरेक्टली पूरी स्टॉक की लिस्ट आ गई है और इनमें से मैं जिस जिस को चाहूँ उसको प्लेज कर सकता हूँ। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर मैं प्लेज करना चाहूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये बताएगा मुझे कि आपकी जो टोटल वैल्यू है 725 रुपये की है और प्लेज करने के बाद आपको 572 रुपये इसमें मिलेंगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जो ये है कि आपको इक्विटी में क्लिक करना है और डायरेक्ट शेयर सेल्स मार्जिन में जाना है, ओके। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेम लिस्ट वहाँ पे वापस ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपना स्टेटस बुक देख सकते हैं कि अगर आपने कोई प्लेज किया है वो ओपन है कि नहीं। यहाँ पर आप प्लेज सिक्योरिटी देख सकते हैं, पहले से कुछ प्लेज है या नहीं, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। एलोकेट लिमिट, आप किस में कितना लिमिट है वो भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे इक्विटी में पहले आपने प्लेज करके लिया फिर उसको आप फ्यूचर ऑप्शन में भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लेज करते हैं। मैं एक दो शेयर इसमें प्लेज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है प्लेज एंड क्रिएट लिमिट में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है शेयर साइज मार्जिन में आके इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लेज करके आपको दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, 572 रुपये मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है मेरे को प्लेज एंड एलोकेट टू इक्विटी, प्लेज एंड एलोकेट टू FNO। तो मैं FNO पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरे FNO सेगमेंट में आएगा। बाद में इसको मैं इक्विटी में भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एक बार FNO में एलोकेट किया है तो वो फ्यूचर ऑप्शन में ही रहेगा। और एक ऑप्शन और मैं दिखा दूँ उसके पहले प्लेज करूँ कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके सारे स्टॉक को एक साथ प्लेज कर सकते हैं, ओके। सब मैं दिखा देगा आपको कितनी लिमिट मिलेगी, इसमें 800 का है तो इसमें 600 मिलेगा, कितना कट हो रहा है वो भी दिखेगा यहाँ पे। जैसे किसी किसी में बिल्कुल नहीं देता है, जैसे इसमें है 100 दिखा रहा है तो इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक शेयर आपको प्लेज करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्लेज चार्जेस भी लगता है 20 रुपये प्लेज करने का और फिर 20 रुपये अनप्लेज करने का। ये मैंने इसको किया यहाँ पे प्लेज एंड एलोकेट टू FNO। अब मैं यहाँ से इसको कन्फर्म कर दूँगा, कन्फर्म, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास मैसेज आएगा और एक मेल आएगा। जब मेरे पास मेल आएगा कि आपको प्लेज कर दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद में फिर आके वापस आके इसको प्लेज कन्फर्मेशन करूँगा। अभी मैंने प्लेज कर दिया है, अब मेरे को इसका कन्फर्मेशन करना है। तो जैसे ही वो आएगा उसके बाद मैं इसको प्लेज करूँगा। क्या आएगा? मेल आएगा, जैसे ही ईमेल आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, उसके बाद मैं इसको प्लेज करूँगा। तो अभी वेट करते हैं, जैसे वो मेल आएगा तो हम इसको प्लेज करेंगे। तो हमें प्लेज कन्फर्मेशन की रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। एक बार मैं दिखाता हूँ वो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कैसे रहती है, उसके बाद मैं फिर अपना शेयर्स को प्लेज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए दो मैसेज आते हैं, एक तो सर्विस का ICICI से कि आपने रिक्वेस्ट प्लेज की रिक्वेस्ट जो है वो प्लेज कर दी है, ठीक है। इस मैसेज को देखने के बाद आपको डायरेक्टली जाके प्लेज नहीं करना, गलती यहीं भी हो रही है कि जैसे ये वाला मैसेज आता है लोग जाते हैं सीधे प्लेज करते हैं और वहाँ पे प्लेज वो नहीं होता। आपको वेट करना है NSDL का, ठीक है। NSDL का जो आपके पास मेल आएगा उसको मेल आने के बाद ही आपको अपने शेयर्स को प्लेज करना है। तो अभी मेरे पास मेल आ चुका है, अब मैं देखता हूँ मेरे को वहाँ पे दिखाएगा वो। तो मेरे को इक्विटी में जाना है, शेयर सेल्स मार्जिन में जाना है। अगर मैं स्टेटस बुक में देखूँगा तो यहाँ पर दिखाइए प्लेज इन प्रोसेस दिखा रहा है अभी, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा क्लिक हेयर फॉर NSDL,
ओके, मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, ये NSDL का पेज आ जाएगा, इसमें मुझे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, EVL, PS0250J, आई एम नॉट रोबोट, ओके, इस पर हमने क्लिक किया, अभी हम सबमिट करेंगे, अभी एक OTP आएगा, जो मेरे मेल आईडी पे भी आएगा और साथ ही साथ मेरे मोबाइल नंबर पे भी आएगा, तो OTP का वेट आ रहा, ये आ गया OTP 664173। सबमिट, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है। अभी आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, जितने भी स्क्रिप्ट हैं सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इसको कंफर्म करना है, ये कंफर्म करेंगे तो उसके बाद एक और OTP आएगा, OTP आपके दोनों मेल पे भी आता है और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा रजिस्टर्ड वाले में, तो अभी OTP का वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया मेरा OTP 885698। सबमिट, यहाँ पे मेरा प्लेज हो गया, ठीक है। अब जो है मुझे वेट करना है, अब ये कल तक जो है मेरे को इसका फंड मिल जाएगा, और उसको मैं चेक कैसे करवाऊंगा, मैं फ्यूचर ऑप्शन में जाऊंगा और लिमिट्स में चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी आपने मैंने एलोकेट किया है, अभी जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे सिक्योरिटी एलोकेशंस में दिखाएगा, किसमें, FNO में जाके लिमिट्स में जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी एलोकेशन दिखाएगा। बैंक एलोकेशन का मतलब है कि जो आपका फ्री ट्रेडिंग बैलेंस है उसको बैंक एलोकेशन बोलते हैं। तो ये है एक सिंपल सी प्रोसेस आपके शेयर्स प्लेस करने के लिए। अभी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।